गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं कुछ करूँगी, कितने दिन से सोच रही थी। ये जो मेरा शाका है बैंगल, देखिए इसका ग्लेस अभी नहीं है क्योंकि मैं कपड़ा धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बहुत कुछ काम करती हूँ, तो ये थोड़ा मैला हो गया है। तो अभी मैं इसे क्लीन करूँगा सोच रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा मैं कैसा क्लीन करती हूँ मेरा ये शाका को, बांदा शाका। ये मैंने पुराना टूथब्रश ले लिया है और ये कॉलगेट। तो ये टूथब्रश से इस चूड़ी को अभी मैं आराम से रगड़ रगड़ के धोऊंगी। ये जो अभी धोया है ये वाला, ये देखिए, ये अभी जो धोया है मैंने ये, और ये दूसरा वाला जो थोड़ा ज़्यादा येल्लोइश है। ये थोड़ा ज़्यादा येल्लोइश है और ये तो अभी ग्लो कर रही है, देखिए। तो इससे मैंने कोलगेट के मदद से क्लीन कर लिया है। अभी ये दूसरा साइड करूँगी। तो मैंने क्लीन कर लिया है, ये देखिए मैंने दोनों को क्लीन कर लिया है। पहले तो थोड़ा येलोइश था, अभी पूरा सफ़ेद हो गया है मेरा सिल्वर कलर का ये चूड़ी। आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं सिर्फ सिल्वर का लगाती हूँ, तो कुछ दिन के बाद ये थोड़ा मैला हो जाता है। तो मैं इसे कोलगेट लेकर टूथब्रश की मदद से इसे साफ़ कर लेती हूँ, घिस लेती हूँ, जिससे क्लीन हो जाता है और सुनार के पास जाना नहीं पड़ता। तो ये पूरा अभी चमचमा था मेरा चूड़ी हो गया है, फिर से नया हो गया है। काफ़ी दिन हो गया नहीं निकली, काफ़ी दिन मतलब 5-6 दिन हो गया है, तो सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा देख के आ जाती हूँ। और तो हम लोग बाहर से वापस आ गई, काफ़ी देर हो गया। वापस आके हम लोग ने फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर तो हस्बैंड ने नहा भी लिया, मैं तो नहा के गई थी इसलिए नहीं नहाई, हाथ मुँह धोया। और मेरा ग्रीन टी, ये देखिए कितना सुंदर लग रही है ग्रीन टी। तो अभी ग्रीन टी पीऊँगी क्योंकि शाम का रोज़ का आदत हो गया है ग्रीन टी पीने का। और फिर से क्रोशेट का काम इन दिनों शुरू किया है, काफ़ी बना लिया, 3-4 बना लिया। और ये एक रेड कलर में, ये वैसे तो ऑर्डर नहीं है, मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा ऊल काफ़ी सारा है और जगह बहुत घेर लेता है, काफ़ी जगह ले लेता है। तो एक एक बना के रख दूंगी, एक दिन में एक नहीं होने से भी, दो दिन तीन दिन में एक ख़त्म होने से भी अच्छी बात है। और काफ़ी लोगों को तो मेरा रिलेटिव को, काफ़ी को तो मैंने गिफ्ट दे दिया है, अब तक दे दिया है 4-5 तो गिफ्ट दे दिया है बैग्स बना के, और देना बाकी है। तो सोचा एक एक करके बना के रख देती हूँ, तो जब जाना होगा, मतलब जब जिसको नहीं दिया उससे मिलना होगा तब दे दूंगी सोच के। तो फिलहाल इससे बनाना शुरू किया है। और बाजार से वैसे तो ग्रोसरी बाजार करके आई और चिकन लाया, तो आज रात को चिकन खाएंगे। ननन बोला कि फ्राइड खाएंगे, चिकन फ्राई करके, तो उसने चावल और दाल तो बिठा दिया है और अभी मैं चिकन फ्राई करूँगी। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है, 8:10 हो गया है, तो चाय पीऊँगी फिर बनाना शुरू करूंगी, तो मिलते हैं बाद में। सब कुछ रेडी कर लिया है चिकन बनाने का, वैसे तो चिकन फ्राई करेंगे। और तो काफी दिन हो गया हम लोग का किचन आप सभी को देखने को नहीं मिला क्योंकि इतना गर्मी है, जल्दी जल्दी बना के जल्दी जल्दी भागू वैसा सोच के मैं बनाती हूँ, तो आप सभी को दिखाती हूँ। मैंने वैसे तो बना के रख दिया है सिर्फ, मतलब सब काट के रख दिया है, सिर्फ बनाना बाकी है। मैंने प्याज और हरा मिर्च काट दिया है, यहाँ आलू में मैंने हल्दी और नमक देखे यहाँ मिक्स करके रख दिया है, काफी देर हो गया मैंने मिक्स करके रखा हुआ। और यहाँ पे चिकन को भी मिक्स करके रख दिया है कि मैंने यहाँ पे मिर्ची को छोड़ के नमक, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, उसके बाद धनिया का पाउडर सब देके तेल देके मिक्स करके रख दिया है। अभी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ नमक टेस्ट करके देंगे। तो अभी बनाना शुरू करती हूँ, वैसे तो सब रेडी हो गया, आप सभी को दिखाया ही है। मुझे भी कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा मसाला में क्योंकि मैंने सभी डाल दिया, और गरम मसाला जो बोला मैंने
चाय का पाउडर बनाया है जिसमें जिंजर है, ब्लैक पेपर है, फिर लौंग, इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, देखिए इसको ग्राइंड करके जो रखा था मेरा मसाला चाय के लिए इसे ही डाला है, और गार्लिक को अलग से कूट के डाला है, लहसुन को, तो इससे मैंने हाफ एन आवर जैसा मिक्स करके रख दिया है चिकन को। अभी सिर्फ बनाना बाकी है। पहले तो मैं आलू को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करूंगी, क्योंकि हमेशा मैं आलू को पहले फ्राई करती हूँ फिर निकाल के उसके बाद जब चिकन को फ्राई करूंगी तो उससे थोड़ा अलग सा फ्लेवर निकलता है। तो वैसे कढ़ाई गर्म होने के लिए अभी वेट कर रही हूँ कब गर्म होगा, तेल डाल के बनाओ। और दाल और चावल तो पहले ही बन गया है, कढ़ाई गर्म हो गया है तो अभी मैं तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है तो पहले मैं आलू को डाल देती हूँ। आलू को हल्का सा फ्राई कर लिया है, आलू तो फ्राई हो चुका है जो आप सभी ने देख लिया, अभी इसे निकाल देती हूँ। इसे तेल में मैं ये तेजपत्ता डाल देती हूँ, फिर इसमें डालेंगे ये प्याज और हरा मिर्च जो मैंने काट के रखा। इसमें जो मैंने मसाला सब यहाँ मिक्स करके रखा है इसमें मैं मिर्ची डाल सकती थी, लेकिन मिर्ची डाल के इसको मार के रखने से जो हाथ में गर्म होता तो इसीलिए मैंने काट के रख दिया, यहाँ पे मिक्स नहीं किया। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, तो अभी मैं ये चिकन डाल दूंगी। तो अभी मैं ये चिकन डाल देती हूँ। इसे अभी थोड़े देर के लिए फ्राई करके रहने देते हैं ऐसे ही। चिकन को तो काफी देर के लिए फ्राई कर लिया है मैंने, काफी फ्राई कर लिया। और यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर काट के रख दिया, पहले जहाँ मिक्स किया था वहां पर ही टमाटर काट दिया, तो अभी इसे डालती हूँ। अभी एक साउंड कर रहा है, मैं पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ पे डालने के लिए, वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अभी ये फ्राई किया हुआ आलू डालूंगी और ये टमाटर जो अभी दिखाया, काफी फ्राई कर लिया है। अभी इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, पानी डाल दिया है। अभी इसे सूखने तक मैं इसे कुक करूंगी, क्योंकि ये लॉकर चिकन है और पहले मैंने बॉईल भी नहीं किया, इसलिए इसे मैं पानी डाल रही हूँ। सब्जी बनके रेडी हो गया है हमारा, सब्जी देखिए सूख गया है पानी, और थोड़ा सा है इसे रख देंगे, रखेंगे और नहीं सुखाएंगे इसे। हस्बैंड यहाँ खाना निकल रहा है, मैं ही निकाल लेती हूँ, फिर भी वो निकाल रहा है। फील दैट यू आर फ्री महात्मा गांधी। तो अभी हम लोग हमारा डिनर करेंगे, जो हस्बैंड ने कैसे निकाला है आप लोग देखिए खाने को। और ये हमारा दाल बॉयल, सिंपल सा दाल बॉयल, और यहाँ है सलाद, जो इतना सारा सलाद, हम लोग ज़्यादा सलाद खाते हैं।